नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से मेरे भाई चालू होने जा रहा है और आपका एग्ज़ाम 9 दिन होने वाला है। इस बार जो है आपका एग्ज़ाम 2 दिसंबर 3 दिसंबर से लेकर 6-7 यानी 7 जनवरी 2024 तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। इसलिए हर हाल में अगर रिजल्ट लेना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़े होंगे बहुत जगह लेकिन ये जो चीज़ लेकर है कहीं नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है कि जो 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ है, जो टॉपिक से दोनों शिफ्ट में पूछा गया है वैसा 29 टॉपिक लेकर आए हैं। ये 29 नहीं होगा, इसको जब समझाएंगे तो लगभग आपका 40 से 45 टॉपिक ऐसा हो जाएगा कॉमन टॉपिक, जीके और जीएस, बस जीके और जीएस का ऐसा कॉमन टॉपिक हो जाएगा जो आपका दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। 1 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट में यही टॉपिक सब पूछा गया था। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका जो 70 से 72 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जा रहा है, लगभग 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एक हर एक टॉपिक को लगभग 29 टॉपिक जो लिखा है, हर एक टॉपिक को आज ही से शाम में 6 बजे पढ़ाने के लिए आपके लिए काम करेंगे। इसलिए मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर बिहार पुलिस में वर्दी इस बार पाना है तो। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का डिमांड था कल वाले वीडियो में कि सर बता दीजिए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से 1 अक्टूबर को पूछा गया। तो टॉपिक आपके बस की बात नहीं था कि निकाल लेना कौन सा टॉपिक है क्वेश्चन देखकर, तो हमने टॉपिक का कलेक्शन करके ला दिया है। इस टॉपिक को एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ा देंगे, एकदम इस बार रिजल्ट पक्का होगा। देखिए कौन कौन सा पूछा था, समझना भी है, स्क्रीनशॉट लेकर भागने से काम नहीं चलेगा, समझ लेना है किस टाइप से पूछा गया था। पहला जो आपका लिखा है वो है कि कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो उसमें था 1885 में। तो कांग्रेस अधिवेशन का पूरा हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछ दे 2 दिसंबर से तो छूटना नहीं चाहिए। अगला आपका है कि प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद से आपका एक प्रश्न पूछा गया, इसलिए टोटल जितने प्रमुख अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 1 से आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना से आपका 1 अक्टूबर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रस्तावना को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। प्रस्तावना से संबंधित जो जो प्रश्न बनेगा उसको भी अच्छे ढंग से एकदम टॉपिक वाइज कंसेप्ट पढ़ना है। भले मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड है या नहीं है, लेकिन स्मार्ट कंटेंट आपको देने का काम जरूर करते हैं। अगला है राजनेता और नारा। जो राजनेताओं के द्वारा प्रमुख नाराएं दी गई उससे एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए जितने राजनेता के द्वारा जो जो नारा दिया गया है उसको भी अच्छे से देख लेना है। अगला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पूरा निचोड़ पढ़ना है, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकता है उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकता है उसको देख लेना है, क्योंकि देखिए जो टॉपिक निकालना थोड़ा सा नए लोगों के लिए हार्ड काम होता है। टॉपिक वही लोग निकाल सकते हैं जो 5 साल 7 साल या 10 साल से अच्छे ढंग से इस फील्ड में है। इसीलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, जीके जीएस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला है पुरस्कार एवं क्षेत्र। किस क्षेत्र का संबंध किस पुरस्कार से है उसको अच्छे से मेरे भाई जान लेना है। अगला आपका है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, यानी तीनों सूचियाँ के बारे में अच्छे से जान जाना है कि शिक्षा कौन सी सूची है, वन कौन सी सूची है, जनगणना कौन सी सूची है, यानी सब जो 3 सूची आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों सूची को पढ़ना है, क्योंकि सब जो टॉपिक लिखा गया है 1 अक्टूबर को पूछा गया टॉपिक है। अगला है प्रमुख युद्ध। जितने भी भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हुआ है उस युद्ध को भी अच्छे ढंग से देख लेना है, एक प्रश्न पूछा था।
अगला है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से आपका राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपतियों जी को पढ़ लेना है। मान लीजिए कहीं 1 अक्टूबर को आपको राष्ट्रपति पूछा था, कहीं 2 दिसंबर वाले एग्जाम में आपसे उपराष्ट्रपति पूछ दे, इसलिए दोनों करीबी मामला है, दोनों पढ़ लेना है। अगला है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा देखिए प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा का जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां से आपका प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी होगा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका टॉपिक है वो नदी। नदी जो है, नदी पर बांध हुआ, नदी की लंबाई हुआ, कहाँ से निकलती है, मतलब उसके पूरा खानदान के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। अगला है आयोग और स्थापना। किस आयोग की स्थापना कब होती है, उसके अध्यक्ष कौन थे, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसको भी अच्छे ढंग से देख लेना है। अगला है कि उपधातु, धातु एवं अधातु। आपके एग्जाम में उपधातु पूछा गया था कि निम्न में से कौन उपधातु है, लेकिन जब उपधातु पूछ दिया तो धातु भी पूछ सकता है, अधातु भी पूछ सकता है, इसलिए इस तीनों चीज को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। अगला है रक्त यानी ब्लड के बारे में भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। उसमें अब आइए तो कोशिका से आपका प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर को, कोशिका को भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके बाद बिलियन से भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए बिलियन को भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। विश्व भूगोल एकदम अच्छे से मेरे भाई पढ़ लेना। विश्व भूगोल से यहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज दिया था, 4 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया था। सब लोग जान रहा था कि भारत के भूगोल से प्रश्न पूछता है, लेकिन इसने नया एक चीज़ लॉन्च कर दिया कि विश्व भूगोल पूछ दिया। देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में 100% वही पैटर्न नहीं रह सकता है, 15 से 20% या 10 से 15% चेंजिंग करेगा, लेकिन आपका 80 से 85% यही पैटर्न रहने वाला है। अगला है पीएच मान। पीएच मान से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था, इसलिए पीएच मान भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है अम्ल, क्षार, लवण। ये तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका लवण से संबंधित, क्षार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर को, क्षार से जो टॉपिक है वहाँ से पूछा गया था, इसलिए तीनों एक ही खानदान के हैं, इसलिए तीनों खानदानों को अच्छे से जान लेना है। अगला है कोशिका। कोशिका डबलिंग हो गया है, कोशिका से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला है गति का नियम। गति के नियम जो न्यूटन साहब दिए थे उसको भी अच्छे ढंग से जान लेना है, आपके एग्जाम में इससे एग्जाम्पल पूछा गया था। उसके बाद है मंदक। मंदक से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन मंदक का कार्य करता है, तो इसको भी अच्छे ढंग से जानना है। उसके बाद खोज और वैज्ञानिक, किस की चीज़ की खोज कौन से वैज्ञानिक किए, ये भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगला है मात्रक। मात्रक को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न अगर साइंस किसी भी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है तो मात्रक और बीमा से एक प्रश्न जरूर रहता है। प्रमुख फार्मूला, साइंस के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रमुख फार्मूला से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका हो गया एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यानी जो भी उस समूह में आते हैं उसको हर हाल में अच्छे ढंग से देखना है। उसके बाद प्रमुख परमाणु गृह जो है उसको यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रमुख परमाणु गृह को भी पढ़ेंगे। लास्ट आपका है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है, रिएक्शन है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये था आपका बिहार पुलिस का टॉपिक वाइज जीके जीएस का वो सिलेबस जो आपका 1 अक्टूबर को दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे एकदम मेहनत के साथ आज ही से शाम में 6 बजे। इसलिए चैनल के सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, नए साथी को भी जोड़िएगा, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ हम पढ़ा रहे हैं आपका भी दायित्व बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने एनर्जी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। चाहिएगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना टॉपिक है 29 है ना, ध्यान रखना 29 का 29 टॉपिक आपके सामने पढ़ाएंगे। फिर आपसे आज शाम में 6 बजे मिलते हैं। अगर किसी भी तरह का और प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।